स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चंस का मैंने हिंट दिया था। 3, 4, 5, 6, 7 आपने जो है अपने खुद से 16 तक कर चुके हो आप लोग, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो अगेन आप बोलिएगा तो मैं दोबारा से वीडियोस बना दूंगा। हम लोग अभी फ़िलहाल 17 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, एक 18 सेंटीमीटर का वर्गाकार टीन दिया है। मैं ये पूरा का पूरा क्या है, 18 सेंटीमीटर का वर्गाकार टीन है। 18 सेंटीमीटर इसका लेंथ भी है और विड्थ भी, क्योंकि वर्ग है तो लेंथ और विड्थ क्या होगा, इक्वल होगा। से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर इसके प्रत्येक कोने से, चारों कोने से वर्गाकार चीज मतलब साइज में काट कर हटाया गया, काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को, और फिर जब काट लेते हैं तो ये जो फलके हैं इनकी मतलब बाहर जो निकली फलके हैं इनको मोड़ करके, फोल्ड करके मोड़ कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। तो जब हम इसको यहाँ जहाँ लाइनिंग देख रहे हैं इस लाइनिंग से अगर हम इसको मोड़ते हैं तो एक ढक्कन रहित संदूक तैयार हो जाएगा जिसमें ढक्कन नहीं होगा। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, अब यह बताना है कि ये जो हम वर्गकार जो है हर कोने से काट रहे हैं इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए और किसके लिए करना है, जिससे संदूक का जो आयतन हो मैक्सिमम हो, वॉल्यूम इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कभी भी इसके क्वेश्चंस करो उसमें क्या करना होगा, आपको फंक्शंस रेडी करना होगा। जैसे कि आयतन को इन्होंने फंक्शन माना है, आयतन को मैक्सिमाइज कर रहा है, तो आयतन का फंक्शन जब लिखोगे तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही चीज़ वेरी करना चाहिए, वेरी मतलब बदलना चाहिए। अगर दो वेरिएबल होगा तो हम उसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कैसे कर पाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन तो किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 18 18 था, माना हमने एक वर्ग काटा और उस वर्ग का लेंथ हम मान लेते हैं इस बार फिलहाल एक्स, ये एक्स हमने मान लिया, तो इसका एक्स ही इधर भी एक्स होगा, इस साइड चारों साइड एक्स होगा। इस तरीके से जो बचा हुआ हमारे पास ये वाला साइज है वो कितना हो जाएगा, 18 में से कितना घट जाएगा, 2x, क्योंकि x ये और x ये। इसका मतलब जब हमारे पास यह कॉर्नर काट के हटा देंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा, और इसकी जो लंबाई हो चुकी होगी 18 माइनस 2x, इधर भी वही हो चुका होगा 18 माइनस 2x। जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो यहाँ तक, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा इधर, इसको फोल्ड कर दिया, इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे इधर, इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ और विड्थ मतलब अब जो है इसकी भुजा जो है वो कितना हो चुका होगा, 18 माइनस 2x। अगर इसको हम बॉक्स जैसा रेडी करें इस बॉक्स का, जो हाइट होगा वो कितना हो चुका रहेगा, तो हाइट तो यही होगा ना जो कि हमने फोल्ड किया है, कट किया है, वो है एक्स, और लेंथ और विड्थ लंबाई और चौड़ाई वो 18 माइनस 2x ही रहेगा। इस तरीके से बने हुए हमारे पास क्यूब को क्या कहते हैं, उसका आयतन कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, 18 माइनस 2x, लंबाई भी चौड़ाई भी यही है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में x। अब इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है x, ठीक है, अगर दूसरा भी इसमें वेरिएबल होता है उसको बदलते हम फिर, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ मैं, और मिटा करके डायरेक्ट फंक्शंस लिखता हूँ मैं। तो हमारे पास जो आयतन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए संदूक का आयतन जिसको अगर हम वी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में x। चूंकि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dx। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल u दिखाई देगा आपको, ये v दिखाई देगा, u इंटू वी पे, तो u इंटू वी पे जब हम करेंगे तो u को सपोज कीजिए हमने छोड़ दिया, तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हमने छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस अगेन जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर पहले आएगा 18 माइनस 2x, और अगेन जब 18 माइनस 2x का करेंगे तो 18 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने पास यहाँ पे एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आता है 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर
प्लस, और प्लस ना लिख करके डायरेक्ट मैं माइनस लिखता हूँ क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू टू जा कितना हो जाएगा फोर, फोर एक्स, और अगेन एटीन माइनस टू एक्स। हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में एटीन माइनस टू एक्स है, तो एक बार और कॉमन ले लेंगे तो कुछ अलग सा मिल जाएगा। एटीन माइनस टू एक्स हमारे पास कॉमन हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बच गया, एक एटीन माइनस टू एक्स और माइनस का फोर एक्स। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाएगा एटीन माइनस टू एक्स, और इधर हो जाएगा एटीन माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, अब ये अपने पास डी वी अपॉन में डी एक्स का मान हो गया। अब चूंकि हमें एक क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, आपको बताया था कि डिफरेंशिएशंस के बाद इसको पुट कर देंगे जीरो, पुट डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। अब हम इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस टू एक्स इंटू 18 माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो। अगेन जब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स फिक्स है कि इन दोनों का वैल्यू क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, आइदर ये या फिर दोनों का जीरो होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस टू एक्स विल बी जीरो, आइदर 18 माइनस सिक्स एक्स विल बी जीरो। 18 माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स 18 इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये कट सकता है नाइन टाइम्स, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा नाइन। अब देखिए यहाँ पे अगर 18 सेंटीमीटर का है तो हम अगर वर्गकार ही नौ का काट ले आधा से तो बचेगा क्या, मोड़ेंगे किसको, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हम एक्स जो है भुजा 9 सेंटीमीटर का काट लें तो इधर भी तो 9 करना पड़ेगा, टोटल 18 है ये है, तो इसमें बचेगा कुछ नहीं, तो मोड़ेंगे किसको और बनाएंगे किसको संदूक, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि टोटल लंबाई वर्ग की 18 सेंटीमीटर है, यदि हम x बराबर 9 सेंटीमीटर काट लेते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, इस वजह से x बराबर 9 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब इधर देख लेते हैं, 18 माइनस सिक्स एक्स जो हो जाएगा ये उधर जा करके ऐसे, और सिक्स थ्रीजा 18, तो x इक्वल टू 3, ये पॉसिबल है और इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट मानेंगे। ठीक है, अब इसको लेकर के हमें चेक करना होगा कि मैक्सिमाइज वैल्यूज है भी या नहीं, है ना, पहले ये चेक करने। तो मैक्सिमम चेक करने के लिए हमने एक क्या रूल सीखा है कि या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करते हैं, तो डेरिवेटिव में इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे कि कैसा आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है या फिर मिनिमम। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम, विजिबल है उसमें रिकॉर्डिंग में, हाँ एक मेरे पास भी मार्कर है, ये पता नहीं इंक इसमें लाया हूँ कि नहीं, मार्कर मैंने नहीं लाया, नहीं है इसमें इंक डालो, विजिबल नहीं हो पा रहा ना, मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो में तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये थ्री है, ठीक है, अब यहाँ पे थ्री के लेफ्ट में, तो थ्री के लेफ्ट में क्या हो सकता है, टू हो सकता है, इधर क्या हो सकता है फोर। हम बढ़िया नंबर लेंगे ताकि इंटीजर आसानी से कर सके उसका वायर, यहाँ पे रखते हैं, इसमें रखेंगे हम, तो जब हम टू रखेंगे लेफ्ट में तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 पॉजिटिव आएगा, मान के चलो कि वो आ गया पॉजिटिव, है ना, और फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे भी टू रखेंगे तो क्या आएगा 6 × 12 फिर भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रियल इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव। इस साइड देखते हैं आप, 4 रख करके 4 × 8 इस बार तो ये पॉजिटिव है, और इसमें रखेंगे 6 × 24 माइनस हो जाएगा नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ठीक है, अरे हाँ सॉरी मैक्सिमा हो जाएगा, और ये भूल जाता हूँ मैं भी, तो इसको ऐसे कर लेना आप, मैक्सिमा कैसे होगा, तो मान के चलो कि हमें पॉजिटिव खींचना है, तो पॉजिटिव खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान के चलो ऐसे होगा लाइन 90 डिग्री से कम, और नेगेटिव के लिए ऐसे, इसका मतलब ऐसे बनेगा, और ऐसे जब भी कर्व बनता है वो क्या बनेगा मैक्सिमा के लिए बनता है। ये चीज़ कंसेप्ट तो उस टाइम याद आ जाता है, तो भूलोगे भी तो ठीक हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, सो एक्स इक्वल टू थ्री इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, तो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में पता चलेगा कि मैक्सिमा, तो हमें तो सिर्फ एक सी चाहिए ना, वैल्यू तो पूछा ही नहीं है कि कितना आयतन होगा मैक्सिमम आयतन, सिर्फ पूछा है कि मैक्सिमम आयतन के लिए कितना उसका भुजा होना चाहिए, तो इसलिए अब यहां पे लिख लेंगे अपने शब्दों में, इसलिए काटे जाने वाले वर्ग की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, जिससे बने संदूक का आयतन मैक्सिमम होगा अधिकतम होगा, लिख देना यहाँ पे, यहाँ पे लाइन लिख देना, ये चीज़ क्वेश्चंस में है उसी को जैसा काटे जाने वाले वर्ग की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम है। आयताकार चादर है, उसमें से भी कोने से क्या करना है हमें, वर्ग काट करके हटाना है, बिल्कुल सेम रहेगा। फ़र्क यह है कि इसमें उसमें लेंथ और विड्थ नहीं था, इसमें लेंथ और विड्थ भी दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई भी दिया हुआ है। लंबाई दिया है 45 और चौड़ाई दिया है 24, तो दोनों में से लंबाई में से उसका लंबाई हो जाएगा 45-2x और चौड़ाई हो जाएगा 24-2x, है ना। और x जो है कोने से निकालेंगे, तो उसमें क्या था, सेम था, तो लंबाई चौड़ाई दोनों 18-2x था, यहाँ पे अलग अलग होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, 19 नंबर अलग है, डिफरेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त में, अच्छा ये बताइए, देखिए जो चीज़ दिया गया होता है ना इसका मतलब वो फिक्स है, दे दिया गया है क्वेश्चन में कि फिक्स है, वो उतना है, फिक्स मतलब कांस्टेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, इसका मतलब वृत्त फिक्स कर दिया गया, अंतर्गत मतलब होता है अंदर, सभी आयतनों में जो उसमें जितने भी आयतन बन सकते हैं वृत्त के अंदर जितने भी आयतन बन सकते हैं आयतनों में, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। क्या बोला गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ही क्या होगा, उच्चतम होगा। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल उसमें उच्चतम होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल का बनने का मतलब यह है कि उनका साइड जो होगा दोनों का बराबर होगा। वर्ग का साइड क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, और सर्कल का जो भी चीज़ होगा मान के चलो इसका ए रेडियस है, तो ए रेडियस इसका फिक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, फिर पहले बना देता हूँ। देखो ये सर्कल जो है वो फिक्स है, मैंने ऊपर थोड़ा बड़ा बना दिया है, नीचे छोटा बना रहा था, मत समझना कि अलग अलग साइज का है। सबका जो है रेडियस ए है, तो इसमें देखो कितने आयतन बन सकते हैं, ये भी आयतन बन जाएगा, ठीक है, एक ये भी आयतन हो जाएगा इसमें, ये भी आयतन बन जाएगा। इसका मतलब इसमें वृत्त फिक्स है, आयतन अलग अलग बन रहा है, सॉरी आयतन कह रहे हैं आयत, इसको रेक्टेंगल कहते हैं आयतन यार इसका नाम भी तो ऐसा ही है, आयत आयतन ना, रेक्टेंगल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम भी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये सिद्ध कर दीजिए कि ये आयत जो है ना इसका मैक्सिमम नहीं होगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई अगर अलग अलग रहे तो उसका जो आयतन होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम किस केस में होगा कह रहा है, जिस स्थिति में ये वर्ग हो जाएगा, आयत जो है वो वर्ग बन जाएगा, उस स्थिति में आप सिद्ध कीजिए कि उसका मैक्सिमम आयतन होगा। क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, देखो क्या सर्कल जो है वो फिक्स है, दे दिया गया मतलब वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम, बदलाव कहाँ पर हो रहा है, इस आयत पर कह रहा है ना कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, दिए का मतलब ये फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है, अंतर्गत सभी आयतनों में, सॉरी आयतनों नहीं आयतों में, तो सभी आयत, ये भी एक आयत है, इनफाइनाइट आयत बन सकता है उसमें, रेक्टेंगल जैसे आप चाहो तो ऐसे है, इसका थोड़ा सा इसी में घटा बढ़ा दिया, इसकी चौड़ाई घटा दी, लंबाई बढ़ा दी, एक अलग हो गया। इसमें और क्या किया, इस बार हमने लंबाई घटा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है। तो कई तरह के आयत इसमें बन रहे हैं, और उन आयत का एरिया जो होगा, एरिया कह रहा है कि आयतन कह रहा है, क्योंकि एरिया हो सकता है ना, क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे ये भी गलत हुआ, एरिया A1, A2, A3 ऐसे सब कुछ कर लो एरिया, क्योंकि 2D होता है ना आयत, और वर्ग क्या होता है 2D होता है, तो उसका आयतन तो हो ही नहीं सकता, जिसमें 3D होगा उसी का आयतन होगा। तो इसका एरिया जो है अलग अलग हो रहा है, हमें कह रहा है कि वो स्थिति में सिद्ध कर दीजिए जब वो आयत जो है वर्ग बना होगा, कहने का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रही होगी, उस स्थिति में ही उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये चीज़ प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। तो ये वृत्त जो है, माना कि वृत्त का त्रिज्या, जो त्रिज्या ही कहते हैं ना, त्रिज्या रेडियस जो है वो ए है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके वृत्त के अंदर जितने भी आयत हैं बनेंगे, उन आयतों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया किसका होगा, वर्ग का होगा, जिस बार वो आयत क्या बन चुका होगा, वर्ग बन चुका होगा उस टाइम पे, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब वेरिएबल क्या है उसका, यहाँ पे ले लीजिए, माना कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितना है, x तथा y है, ऐसा कुछ मान लिया हमने,
ये जो आयत है उसकी लंबाई हमने एक समानी, चौड़ाई जो है वो हमने क्या माना। क्वेश्चन दिया है 19 नंबर की, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, दिया गया वृत्त है तो वृत्त का जो त्रिज्या है वो ए है और वृत्त कर दिया कांस्टेंट, मतलब वृत्त जो है फिक्स कर दिया गया। अब इसके बाद से फिक्स करने के बाद फिर कह रहा है क्या कि सभी आयतों में, सभी आयतों मतलब इसमें बहुत सारे आयत बन सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वृत्त है, वृत्त के अंदर एक ये भी आयत बन सकता है ऐसे। अब इस बार क्या किया, मान के चलो लंबाई इसको छोटा कर दिया और चौड़ाई जो है वो बड़ा कर दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया तो चौड़ाई लंबाई हो गया, दूसरा आयत बन गया। इस तरीके से इसमें इनफिनाइट आयत बन सकते हैं। हमें आयत का क्षेत्रफल जो है वो मैक्सिमम होगा ये सिद्ध करना है, तब मैक्सिमम होगा जब ये वर्ग के शेप में होगा, तब मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो, तब एक्स और वाई आपस में बराबर हो जाए, ऐसे हमें प्रूफ करना है कि एक्स का मान जितना आ रहा है उतना ही कितना आ जाए वाई का भी मान, तब जा करके एरिया इसका मैक्सिमम होगा। अभी मान के चलिए कि सपोज कीजिए ये लंबाई है आयत का, तो इसको हमने एक्स माना और ये इसको मान लिया हमने वाई, जैसे कि ऐसे माना हुआ है। वृत्त का त्रिज्या कितना है ए, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है ना, इस बिंदु ओ से। तो पाइथागोरस लगाया है यहाँ पे। अब अगर हम ये ए बी सी माने, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे हम, यहाँ पे लिखें अगर त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। बी सी कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ए बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, ए स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब इसमें x का मान या फिर y, तो यहाँ पे हम y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब इसको क्यों निकाला, आगे चल के हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल रखना होता है यहाँ पे। आप चाहें देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, बाहर की लंबाई दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें पेरीमीटर को भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो लंबाई निकालने के लिए, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे एरिया का भी बना सकते हो फंक्शंस, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन तैयार करना होता है तो हम पेरीमीटर का भी बना सकते हैं और एरिया का। हम इस बार एरिया का बना कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा इस आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए बराबर, लंबाई अपने पास दिया है एक्स, तो चौड़ाई अगर वाई रखते हैं तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम, एक वेरिएबल करना होगा। तो चौड़ाई बराबर हमारे पास वाई का मान ले लेंगे कितना, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, और चूंकि एक्स और वाई का मान निकालना है तो देखते हैं क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डी ए अपॉन में डी एक्स, यू इन टू वी पे एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन में टू अंडर रूट जितना है उतना 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इन टू इसका करने जाएंगे तो 4a जो हो जाएगा वो जीरो और माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर प्लस, इस बार x को छोड़ा था, इनका डेरिवेशन किया था, अब इसको छोड़ देंगे हम यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का तो 1 हो जाएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो dA अपॉन में dx एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 बाद में कट जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहीं पे डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण बता देता हूँ। सिंगल डेरिवेटिव जब कीजिएगा तो x का मान इतना ज़्यादा क्रिटिकल आ जाएगा कि हम उसको वैल्यू को पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस स्थिति में क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो हम इसको डबल डेरिवेटिव इसमें करना पड़ेगा, तो आप चाहो बाद में करो या पहले, तो हमें पता है कि इसमें करना पड़ेगा, क्रिटिकल हो रहा है, तो हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव होगा यू बाई वी पे। यू बाई वी का फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर करो और नीचे वाले को छोड़ दो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस यहाँ पहले ले लेते हैं और 2x, ये मल्टीप्लाई में, ये रूट में नहीं है, और माइनस। अब इस बार क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो माइनस, ऐसा करते हैं ना, ये माइनस वगैरह जो है ना वो बाहर ले लेते हैं, ये माइनस पहले ही बाहर ले लिया ताकि आपको दिक्कत ना करे, माइनस बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सिंपली क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर,
और जिसको छोड़े थे उस बार उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, वन अपॉन में अंडर रूट टू अंडर रूट, वन अपॉन में टू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगेन इसका हो जाएगा जीरो माइनस टू एक्स। ठीक है, ये हो गया इतने का डेरिवेटिव। अब प्लस में इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, इसका डेरिवेटिव भी होगा वन अपॉन में सेम टू सेम, और यहाँ पे भी जीरो माइनस टू एक्स। अब ये डबल डेरिवेटिव को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको इस बार। ठीक है, यहाँ पे माइनस और माइनस जो है इनमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको देखिए ऊपर में देख रहे हैं आप, ये डिवाइड में है, यहाँ पे भी ये टू से तो टू कट जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर भी, नीचे तो अलग है, पहले ऊपर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या इसके नीचे वन है, तो यहाँ पे एलसीएम जब हम ले रहे हैं तो ये आ रहा है अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, जब तो वन है तो वन से करेंगे डिवाइड तो इतना ही आएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही एक नंबर है यहाँ पे, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पे है वो क्या है टू एक्स, फिर से माइनस। अब देख रहे हैं क्या कि बिल्कुल ये जो है इससे डिवाइड करेंगे इसको तो कट जाएगा वन, और वन से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या है यहाँ पे एक्स। ठीक है, और साथ में यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया इसका सोल्यूशन, सबने कर लिया, लेकिन अभी नीचे वाला नहीं लिखा, नीचे वाला जो है इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, फोर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका पावर कितना है वन है, कुछ नहीं तो वन है, बाद में इनके साथ ऐड करके थ्री बाई टू हो जाएगा, और प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू एक्स, टू भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये टू भी नहीं रहेगा, और माइनस अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका मान है, डबल डेरिवेटिव का, डी टू ए डी एक्स टू इसका मान है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेंगे ताकि हम इसमें वो मान रख करके और चेक कर पाएं कि इसका मान पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। एक बार और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि और सिंप्लीफाई हो जाए। माइनस हम चाहें तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है ये वाला चीज़, और कॉमन ले लेने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा और आसान लगने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी ले लेते हैं, और चाहें हम तो इसमें से भी एक्स दोनों में है ही, इधर भी एक्स है तो एक्स भी ले सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, इनमें से एक्स बाहर कॉमन करेंगे तो एक्स हो जाएगा ना, निकल जाएगा स्क्वायर और ये खत्म। इसका मतलब इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट फोर ए स्क्वायर, और ये है दोनों में है, दोनों में माइनस है, तो माइनस एक्स और डिवाइड में अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, क्या बचा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो एट ए स्क्वायर ठीक है माइनस का टू एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, आ रही बात समझ में, और नीचे ये खत्म हो गया तो ये बच गया ना फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा है वन, क्योंकि वहाँ तो सब हमने कॉमन ले लिया है। एक बार और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कुछ और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वीडियो आप भले देख लीजिएगा जाकर के, मैं अपलोड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ किस में है माइनस में, एक ही बचेगा ना माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे बस रहने देते हैं, आ रही बस समझ में। अब क्या हो जाएगा कि इसको हम एलसीएम फिर से लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का ये पूरा मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेंगे तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, तो फोर ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में यही फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक दफ़ा और ले लेते हैं, मैं इसको एक बार और मिटा लेता हूँ, ये तो माना है हमने। माइनस एक्स फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एट में से फोर जाएगा फिर अपने पास फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अब इतना रहने देते हैं, सिंप्लीफाई बहुत हो गया।
अब हमें क्या करते हैं, इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, वो x का मान कितना आएगा क्रिटिकल, तो हमें पुट करना होगा क्या चीज, डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू जीरो जब हम पुट करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, डी ए अपॉन में डी एक्स का मान जो है वो ये जीरो पुट करेंगे, जब जीरो के बराबर पुट करेंगे तो इधर जब माइनस है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब दोनों को बराबर लिख सकता हूँ ना, एक स्टेप हमारा बच जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा जीरो जब पुट करोगे, एक स्टेप वहाँ पे खत्म किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर बराबर ये उधर जा जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 से तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a स्क्वायर, अब चूंकि हमें x चाहिए तो x इक्वल टू क्या होगा 2a स्क्वायर और अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब हमें तो डिस्टेंस है ना x प्लस में होगा, इसलिए x हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2a, ये हमें मिलेगा, अगर x इक्वल टू रूट 2a पे डबल डेरिवेटिव में मान प्लस आता है तो मिनिमा होता है, माइनस आता है तो मैक्सिमा होता है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ये रखा हुआ है डी टू ए डी एक्स टू, इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू अंडर रूट टू ए डी टू ए अपॉन में डी एक्स टू का मान, x की जगह पे हम रखेंगे वो रूट टू ए, तो यहाँ पे रखते हैं माइनस रूट टू ए, यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर और माइनस रूट टू ए का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर और x का स्क्वायर करेंगे फिर से कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि x क्या है रूट टू है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये माइनस, एक माइनस आ रहा है, ये भी प्लस होगा, प्लस में है ये रूट टू, ये क्या है प्लस में है, उससे पहले क्या है माइनस, ठीक है, नीचे देखिए 4a में से 2a जाएगा तो प्लस का ही बचेगा और उसका रूट भी रहेगा तो प्लस ही भी रहेगा, इनका देखिए ऊपर ये भी प्लस में है और नीचे वाला भी क्या होगा प्लस में, प्लस 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 ही रहेगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस से करेंगे टोटल ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उस केस में वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है, इसलिए x इक्वल टू रूट टू ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, और जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पे वैल्यू भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसका मतलब x इक्वल टू रूट टू ए पे इसका एरिया जो है मैक्सिमम होगा, अब तो हमें y बराबर भी चेक करना होगा क्या y इतना आ रहा है कि नहीं, अगर y भी इतना आ रहा है तो वो वर्ग होगा, ठीक है, तो y का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो y बराबर यहाँ पे रखेंगे y इक्वल टू रूट ओवर 4a स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x यही है तो 2a स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा रूट 2 और a बाहर निकल जाएगा, दोनों बराबर आ गया ना, तो x बराबर y, इसलिए इसमें आयत का क्षेत्रफल तब मैक्सिमम होगा जब वो वर्ग होगा, और ये प्रूव हो गया, नोट कर लो।